अपना विश्वसनीय न्यूज चैनल राष्ट्रीय नवाचार। चैनल के दर्शकों को मेरा प्रणाम वंदन। मैं एडवोकेट किशन सन्मुखदास भावनानी गोंदिया महाराष्ट्र से। साथियों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि 22 जुलाई से 12 अगस्त 2024 तक के बजट पेश होगा। इसकी चर्चाएं सब लोग अपने अपने ढंग से कर रहे हैं, कोई कैसा बोल रहा है, कोई कैसा कर रहा है, लेकिन मैंने भी इसका आंकलन किया हूँ, इसकी स्टडी किया हूँ और मैंने 5 पॉइंटें निकाला हूँ कि इन 5 पॉइंटें ये इस बजट में ज़रूर अपने को देखने को मिलेगी। सबसे पहली पॉइंट ये है कि जो इनकम टैक्स स्लैब है उसमें इस बार वृद्धि होगी, क्योंकि पिछले 10 सालों से इनकम टैक्स स्लैब में वृद्धि नहीं हुई है। मैं हर बार बजट में यही कहता हूँ कि इस बार इनकम टैक्स स्लैब में वृद्धि नहीं होगी, लेकिन इस बार मेरा आंकलन है कि इनकम टैक्स स्लैब में वृद्धि ज़रूर होगी। अभी जो छूट 3 लाख रुपए की है वो बढ़कर के करीब करीब मेरा अंदाज़ है कि 4 लाख तक के हो सकती है। इसका सबसे बड़ा कारण यह भी है कि 13 जुलाई 2024 को इनकम टैक्स विभाग ने एक आंकड़े इशू किए थे, जो उसमें ऐसा था कि 11 जुलाई 2024 तक के आंकड़े थे, उसमें ऐसा था कि इनकम टैक्स में पर्सनल जो इनकम टैक्स है उसमें 3.40 लाख करोड़ रुपये इनकम टैक्स कलेक्ट हुई है और कॉरपोरेट टैक्स 2.10 लाख करोड़ रुपए कलेक्ट हुई है, जो पिछले वर्ष की तुलना में करीब करीब 26% से ज़्यादा अधिक है। यानी हम यहाँ देखें कि जो पर्सनल टैक्स कलेक्ट हुई है वो 3.40 लाख करोड़ हुई है, यानी बहुत ज़्यादा हुई है। इसलिए सरकार का अभी कर्तव्य बन जाता है कि जो टैक्स पेड कर रहे हैं उनको सुविधाएँ कुछ देना चाहिए, तो इसीलिए इसका मजबूत आधार है कि इनकम टैक्स की स्लैब जरूर बढ़ेगी। दूसरा मेरा आंकलन है कि जो किसानों को अभी तक के 6,000 रुपया सालाना दिया जाता था 3 किस्तों में, अभी उसको बढ़ा करके 8,000 रुपया किया जा सकता है, यानी 4 किस्तें दी जाएगी। तीसरा मेरा आंकलन है कि जो सेक्शन 80C है, इनकम टैक्स एक्ट की सेक्शन 80C है, उसमें अभी छूट है 1.5 लाख रुपया, उसको बढ़ा करके करीब करीब 2 लाख रुपया या 2.5 लाख रुपया किया जा सकता है। चौथा मेरा आंकलन है कि जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है अभी 50,000 रुपये ही है, तो उसको बढ़ा करके करीब करीब मेरा अंदाज है कि 1 लाख रुपये किया जा सकता है। पांचवा मेरा आंकलन है कि जो भी हम एक विज़न चल रहा है हमारा 2047 का, उस विज़न 2047 की रणनीति उसकी झलक इसमें ज़रूर दिखेगी। पूंजीगत व्यय बढ़ाए जाएंगे, अलग अलग जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके ऊपर एक अलोकेशन बढ़ाया जाएगा, उसको एक वृहद लेवल में लिया जाएगा कि जैसा हमारा जो आगे की सोच है विज़न 2047 उसको पूरी तरह से कवर करने की कोशिश की जाएगी। बाकी हमें अब 23 जुलाई को ही पता चलेगा कि क्या चल जाएगा, क्या होगा। 12 बजे तक के अपने को सब क्लियर जाएगा, ये तो सब अनुमान है, पर मेरा अनुमान है जो मेरे 5 अनुमान बताए वो आ सकते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।